नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स विद न्यूज नॉक इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शिवानी शुक्ला। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग में 58% आरक्षण को हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए जाने का फैसला आया है। इस दुर्भाग्यजनक स्थिति के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश की जनता से माफी मांगे। भाजपा की नियतखोरी के कारण आरक्षण के खिलाफ फैसला आया। रमन सरकार की लापरवाही, अकर्मण्यता और गैर जिम्मेदाराना रवैये का नतीजा यह फैसला है। आप सबको पता है, जो आरक्षण के मुद्दे पे हाई कोर्ट ने आरक्षण को, उस याचिका को खारिज किया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के 58% आरक्षण को बिलासपुर उच्च न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने का फैसला आया है। इस दुर्भाग्यजनक स्थिति के लिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश की जनता से माफी मांगे। भाजपा की नियत खोरी के कारण आरक्षण के खिलाफ फैसला आया। रमन सरकार ने अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन नहीं किया था। उनकी सरकार की लापरवाही, अकर्मण्यता और गैर जिम्मेदाराना रवैया का नतीजा यह फैसला है। तत्कालीन रमन सिंह सरकार अपने इस दायित्व का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर पाई। 2012 में बिलासपुर उच्च न्यायालय में 58% आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर हुई। तब भी रमन सरकार ने सही ढंग से उन विशेष कारणों को प्रस्तुत नहीं किया, जिसके कारण राज्य में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 58% किया गया। रमन सरकार ने आरक्षण में संशोधन से पहले सुप्रीम कोर्ट से पूर्ववर्ती फैसले को ध्यान में नहीं रखा। 2012 में हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों, जिसमें इंदिरा साहनी का फैसला प्रमुख के अनुसार कोई भी राज्य सरकार यदि 50% से ज्यादा आरक्षण करती है तो अत्यंत विशेष परिस्थितियों, विचार एवं तथ्यों के साथ कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसका भी ख्याल नहीं किया गया। जब आरक्षण को बढ़ाने का निर्णय हुआ, उसी समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य सरकार को अदालत के सामने आरक्षण को 50% से अधिक बढ़ाने की विशेष परिस्थितियों और कारण को बताना था। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।